हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 12th क्लास यूपी बोर्ड पोयम 1 कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ. स्टूडेंट्स, आज हम इस पोयम की स्टडी करेंगे और जानेंगे कि इस पोयम में वे कौन से एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं. आज इनमें से हम एक एक्सप्लेनेशन को पिकअप करेंगे और सीखेंगे और देखेंगे कि इसमें पोएट हेनरी वुटन क्या कह रहे हैं. तो इस पोएम के पोएट हैं सर हेनरी वुटन. ये इसका सेंट्रल आइडिया है पोएम का. स्टूडेंट्स, मैं आपको ये पोएम डिटेल्स में किसी ना किसी वीडियो में समझा दूंगा. आइए आज इसके सेंट्रल आइडिया में समझते हैं कि पोएट हेनरी वुटन हमें क्या बता रहे हैं. पोएम शुरू करते हैं. इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन. अ जॉयस मैन शुड बी कॉन्फिडेंट. ही शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल. स्टूडेंट्स, कवि हेनरी वुटन कह रहे हैं कि जो एक वास्तविक रूप से प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं. एक प्रसन्नचित व्यक्ति का सबसे मेन जो क्वालिटी होती है, उसकी मुख्य गुण होता है, वह होता है कि वैसा व्यक्ति विश्वास अपनी एबिलिटीज में करता है और काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है. उस पर अपनी एबिलिटीज पे अपने आप पर विश्वास होता है. ऐसा व्यक्ति ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है. वन हू लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स. ही शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल. ऐसा व्यक्ति सत्यवान होता है और ऑनेस्ट ईमानदार भी होता है. A really happy man is one who is not vain. एक प्रसन्नचित व्यक्ति के अंदर कोई भी घमंड नहीं होता. ऐसा व्यक्ति के अंदर कोई ईगो नहीं होती है. Such a man remains unaffected by flatterers. ऐसा व्यक्ति चापलूसों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता. Moreover, इससे भी अधिक, he prays to God not for worldly gains. बट फॉर इज ब्लेसिंग्स एंड मर्सी. ऐसा व्यक्ति ईश्वर की जब भी प्रार्थना करता है तो वह ईश्वर से उसकी अनुकंपा और करुणा की ही चाह रखता है, ना कि उसके द्वारा दिए गए सांसारिक धन संपदा की. सांसारिक धन संपदा की प्रसन्नचित व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होता. ऐसा व्यक्ति तो चाहता है कि ईश्वर अगर अपनी अनुकंपा ही उनके ऊपर कर दें तो उसके लिए इतना ही पर्याप्त है. आगे चलते हैं. He spends his time in the company of a well selected book or a true friend. प्रसन्नचित व्यक्ति के एक और गुण होता है कि ऐसा व्यक्ति अपना समय एक बहुत ही अच्छी तरीके से चुनी हुई पुस्तक की संगति में अपना समय व्यतीत करता है या एक ट्रू फ्रेंड की कंपनी में वह अपना समय व्यतीत करता है. बिसाइड्स दिस, इसी के साथ साथ, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नथिंग ही पोजेसेस एवरीथिंग. यहां तक कि ऐसे व्यक्ति के पास वर्डली गेन्स, मटेरियल गेन्स नहीं होते तो भी ऐसे व्यक्ति सभी चीजों के मालिक होते हैं. यहां पर कवि ने इन अंतिम पंक्तियों में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है. इसके बाद स्टूडेंट्स, आपको एक इसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे जो कि दिस मैन से लेकर के ही हैथ ऑल तक जाता है.